हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चरण में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लड्डू गोपाल को भोग चढ़ाते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हमें भोग लगाना चाहिए दिन में और कितनी बार हमें भोग लगाना चाहिए, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा जिस नियम का ध्यान हर किसी को रखना चाहिए वो है लड्डू गोपाल को भोग लगाना। हम लड्डू गोपाल को भोग कितनी बार लगाएं और कैसे लगाएं, कि लड्डू गोपाल को दिन में चार बार भोग लगाना चाहिए या फिर तीन बार भोग लगाना चाहिए या फिर दो बार या एक बार, तो वही सब बातें हम करेंगे। हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं तो इसलिए उनको 3 से 4 बार भोग अवश्य लगाना चाहिए। चलिए जानते हैं कि घर में विराजमान लड्डू गोपाल को आप किस तरह से भोग लगा सकते हैं। पहला भोग, लड्डू गोपाल को स्नान कराने के पश्चात पहले आपको स्नान करना है, उसके पश्चात आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, स्वच्छ कपड़े पहनाने हैं और उसके बाद उनका तिलक करके उनको भोग लगाना है। भोग में आप जो भी आपकी इच्छा हो आप दे सकते हो लड्डू गोपाल को, और माखन और मिश्री बहुत प्रिय होता है तो आप उसका भोग लगा सकते हैं और तुलसी का पत्ता उसमें ज़रूर अवश्य डालें। अगर सर्दियां हैं तो लड्डू गोपाल को आप 7:30 के पश्चात ही स्नान कराएं, और अगर गर्मियां हैं तो 6:30 के पश्चात आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। पहला भोग आपको दूध का लगाना है। लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं तो उनको पहले दूध पिलाया जाता है और भोग लगाते समय पहले घंटे या फिर ताली बजाकर उनको तरीके से बजाते हुए उनको भोग लगाएं। उसके पश्चात आप जो भी भोग लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, और दूध का इस्तेमाल आप अपने चाय बनाने में या फिर जिस भी प्रयोग में आप करना चाहो कर सकते हैं। और दूसरा भोग, आप लड्डू गोपाल को भोग लगाने के पश्चात 3-4 घंटे बाद दूसरा भोग लगाएं। आप माखन का, मिश्री का या फिर किसी फ्रूट का आपके घर में जो अवेलेबल है आप उसका भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री अधिक प्रिय है। और तीसरा भोग आप दोपहर के समय लगा सकते हैं। दोपहर के समय लड्डू गोपाल को उस भोजन का भोग लगाएं जो स्वयं के लिए बनाया है, पर इस बात का ध्यान रखें कि भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग ना हुआ हो। तो लड्डू गोपाल के लिए आप मीठी पूड़ी या फिर पराठा आप बना सकते हैं और रायते के साथ, दही के साथ आप अपने लड्डू गोपाल को वो भोग लगा सकते हैं, और उनको 4 बजे के आसपास आप उनको विश्राम कराएं थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए या फिर 20 मिनट के लिए या 40 मिनट के लिए आप उनको आराम करा सकते हैं। और तत्पश्चात उनको उठाने के बाद तो शाम को जैसे आप धूप दीप करते हैं, उसके पश्चात आप उनको जब भी आप अपना भोजन बनाते हैं उनके लिए भी सबसे पहले भोजन का भोग लगाएं। तो चौथा भोग आप उसको लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को। तो जो भी आपने बनाया है आप उसका भोग लगाएं, और रात्रि में जब लड्डू गोपाल को आप सुला रहे हैं तब उसको उनको दूध का भोग अवश्य लगाएं। दूध का भोग लगाने के पश्चात ही आप अपने लड्डू गोपाल को शयन करा सकते हैं, या फिर आप अगर करना चाहो तो इत्र से उनकी मालिश कर सकते हो। इत्र से मालिश कराना लड्डू गोपाल को बहुत ही अच्छा लगता है, वो खुश होते हैं। आप उस मालिश करते समय आप उनसे बातें करें, आप जो भी आपकी मनोकामना है पूरी करने के लिए आप उनसे बोलें और इसी प्रकार उनको मालिश कराएं, और उनके हाथ पैर अवश्य दबाएं क्योंकि वो नन्हे बालक हैं, पूरे दिन खेलते हैं तो इसलिए वो थक जाते हैं। तो उनके पैर मालिश और उनके हाथ पैर दबाकर ही उनको विश्राम कराएं और शयन कराएं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो ये अच्छा लगेगा कि किस प्रकार भोग लगाना चाहिए हमें और भोजन कराना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।